नमस्कार एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इन लास्ट क्लासेस क्लास 9 वी हैव टू लर्न अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या था, एसएएस एएसए है ना, एंगल एंगल साइड था, आरएचएस था, ट्रिपल एस था, इस तरह के हमने क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, जहां पर तीनों साइड ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होती है। यहां हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया। सबसे पहले तो सिमिलरिटी का जो साइन होता है इट्स स्टैंड बाय दैट, ठीक है, ये है आपके पास सिंबल किसका, सिमिलरिटी का सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, ये है साइन वेवलेंथ। और कॉन्ग्रुएंसी जब हम बात करते हैं तो इक्वल टू दो नीचे आ जाते हैं और ऊपर उसके वेव साइन होता है। तो अब यहाँ सबसे पहले मैंने लिया था ट्रिपल ए सिमिलरिटी, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं ए ए सिमिलरिटी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, जैसे एक 60 डिग्री है दूसरा 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल जो दोनों का होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसको हम ए ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं और ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा आपके पास ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हो गए जो सिमिलर की बात करते हैं, हम इस तरह से बात कर रहे हैं, ट्राइंगल हो गया आपके पास ए बी सी, ठीक है, एंड दूसरा ट्राइंगल आपके पास है डी ई एफ। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक दो ट्राइंगल ये है ए बी सी ट्राइंगल एंड डी ई एफ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए ए सिमिलर भी, यहाँ पे आपको गिवन है, इस थ्योरम में गिवन है एंगल ए जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, मतलब ये एंगल एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है इसको, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना। अब सिमिलर ट्राइंगल कब होते हैं, हमने पढ़ा था सिमिलरिटी के लिए कंडीशन कि अगर दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे एंगल्स को इक्वल बता रहा है, गिवन है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ प्रूफ करना है, तो आपके दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ पी क्यू, ये हो गया पी क्यू, ये है पी क्यू, वेयर वेयर ए बी इज इक्वल्स टू बी बी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू होगा। हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, पी क्यू को हमने ज्वाइन किया है, जिसमें कि क्योंकि हमें तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से हम उसको प्रूफ कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लेनी पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी लेने के आपको क्या सपोज करना पड़ेगा कि आपने पी क्यू जो है वो आपने ड्रॉ किया है इस ट्राइंगल में, और इसका ए बी साइड जो है वो डी पी के इक्वल है, और इसका ए सी साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इसमें क्या क्या इक्वल है हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो ए बी साइड जो है वो किसकी इक्वल हमने बताई है, वो दूसरे ट्राइंगल की डी पी के इक्वल होती है। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम जो होगा बेटा वो डी पी क्यू होगा, ये हो गया डी पी और ये हो गया यहाँ पर क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। तो ए बी जो साइड है वो किसकी इक्वल हो गई, डी पी के, इस बाय कंस्ट्रक्शन क्लियर। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, ये हमें गिवन है। थर्ड वन आपके पास है ए सी साइड जो है वो डी क्यू के इक्वल है, तो ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या लगे बेटा, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल जो है डी पी ई डी ई एफ ट्राइंगल, इसको हमने पी क्यू साइड ड्रॉ करी है, और ए बी जो है वो डी पी के इक्वल, ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल हो गया। आपको क्या करना था, आपको सिमिलर बताना है, हम सिमिलरिटी पर आएंगे, पर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट हमने ले लिया कि जो ए बी है वो डी पी के इक्वल है, जो ए सी है वो डी क्यू के इक्वल, ये हमने कंस्ट्रक्शन में इसको सपोज कर लिया। तो यहाँ पे क्या लगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय
मैं नाम देती हूँ एंगल वन, इसको मैं नाम देती हूँ एंगल टू। एंगल बी जो होगा वो एंगल वन के इक्वल, और एंगल सी जो होगा ये एंगल सी जो होगा वो एंगल टू के इक्वल हो सकता है बाइसिपिसिटी, क्योंकि ये इसी के इन्हीं दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब आप क्या कर सकते, अब आप यहाँ पे यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, देखो ये तो आपके पास हो गया एंगल बी जो है वन के इक्वल है, क्लियर। बट यहाँ पर जो हमने गिवन है, जो आपके पास गिवन है वो किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल बी है। तो यहाँ पर तो ये तो हो गया बाय कंस्ट्रक्शन एंड बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल भी है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दैट इज इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बता सकते हैं, वी कैन राइट, वी कैन राइट कि एंगल बी जो होगा वो ये वाला एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एंगल बी वन के इक्वल और एंगल बी ई के इक्वल, तो एंगल ई और वन भी, एंगल ई और एंगल वन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली वी कैन राइट ऐसे ही जब एंगल सी जो है आपका एफ के इक्वल है और एंगल सी आपके टू के इक्वल भी है, तो टू और एंगल एफ भी, एंगल एफ और एंगल टू भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, किन का यूज करना है, देखो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये देखो बीपीटी आ गया अभी यहाँ पर, ये वाले एंगल अगर इक्वल है, ये वाले एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन्स क्या होंगी, लाइन्स विल बी पैरेलल। ये कौन से एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इनको कट करने वाली ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल इक्वल आ रहे हैं और इनको कट करने वाली लाइन ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ होगा। सो एंगल ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, ये कौन से एंगल है, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सो यू कैन राइट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो, एंड ये हो जाएगा डी ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर। ये देखिए ये वाली लाइन, जब ये वाले एंगल इक्वल है और इनको कट करने वाली ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन विल बी पैरेलल, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पैरेलल हो गए। अब आपने पढ़ा है बीपीटी थ्योरम में, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ट्राइंगल है और इसको दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ए बी सी, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको बीपीटी के बारे में। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ट्राइंगल है और इनकी ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसको नाम दे दिया मैंने, तो ए बी सी हो गया, इसको नाम दे दिया डी और ई बता दो, तो आपको मिल सकता है यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी भी मिलेगा और ए ए ई अपॉन ई सी ये मिलेगा, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और इसका ये तो इसका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड रिजल्ट इसका क्या कहता है, सेकंड रिजल्ट ये भी कहता है ई ए डी ये वाला रेशियो इस होल रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल अपॉन ये हो जाएगा ए सी। तो ये है इसके रिजल्ट बेटा, ये है बीपीटी के रिजल्ट आपके, इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, ये आपको मैंने करवाया भी था, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। दिस साइड अपॉन दिस साइड प्रोपोर्शनली इक्वल एंड दिस अपॉन दिस ऑल्सो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का आप यूज करेंगे, यूजिंग बीपीटी यहाँ पे मैंने बता दिया, ये है आपका बीपीटी का रिजल्ट, ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ए सी, एक रिजल्ट होता है ए डी अपॉन होल साइड ए डी और ए अपॉन होल ए सी, ये आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये बीपीटी का रिजल्ट। इसको यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या लेकर आना है, आपकी साइड्स का रेशियो लेकर आना है, तो हम कैसे लेकर आएंगे बेटा, तो आप देखो यहाँ पर हमने बता दी थी पी जो है पैरेलल है इसके, तो यूजिंग बीपीटी आप यहाँ पे लिखिए, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे पास, डीपी अपॉन डीई मिल सकता है, सेकंड रिजल्ट तो हम यूज कर रहे हैं, सो ये मिलेगा मुझे डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन
डी एफ मिलेगा। क्लियर। अब आपको पता है डीपी की वैल्यू यहाँ से क्या है, ये रही डीपी की वैल्यू, डीपी इज इक्वल टू, हमने बाय सब्स्टिट्यूशन यूज किया है, डीपी की वैल्यू आपके पास ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू, डीक्यू की वैल्यू क्या है, डीक्यू है आपके पास ए सी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए सी अपॉन डी एफ, ये हो गया आपके पास। देखो अभी हमारे पास क्या डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, जो हमें प्रूफ करना है वहां पे ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ, तो डिनोमिनेटर तो आपके पास सेम मिल रहा है, ये मिल रहा है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू दूसरी थी, न्यूमरेटर में हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू जो कि आपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू सपोज कर रखी है, तो आपके पास आ गया ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ मिल गया। एंड सिमिलरली आपको बी सी अपॉन ई एफ मिल जाएगा, क्यों, जब आप इस पी क्यू को इस तरह से पैरेलल खींचेंगे पैरेलल टू डी एफ, सिमिलरली आपको जब हमें ये सारा काम एक साथ दोबारा रिपीट करना होता है तो हम क्या करते हैं उसको हम सिमिलरली के थ्रू बता देते हैं, तो इसके बाद आप लिख देंगे सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ भी मिलेगा। तो ये हमें प्रूफ करना था एसी, ये है आपके पास एसी अपॉन डीएफ, ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये हुआ आपका प्रूफ। तो बच्चे आई होप ये पूरा क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया था।